देखिए बात सुनिए, जिस प्रकार बीजेपी ने खेल खेला है चुनाव जीतने के लिए, वो सबके सामने है। धीरे धीरे वो एक्सपोज भी हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने सबको करार दे दिया जैसे कि खाली वर्ष बीजेपी वाले आरएसएस वाले हिंदू हैं इस देश के अंदर, बाकी लोग हिंदू ही नहीं हैं, राम पे विश्वास ही नहीं है, और हिंदू मुस्लिम जातियों में भेद करना ये देश हित में नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई ये खाली जय श्री राम क्यों बोलते हैं, जय श्री राम क्यों नहीं बोलते हैं, सीता माता का सम्मान पूरा देश करता है, तो जय श्री राम बोल के ये भड़काते लोगों को, ये गुस्सा पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं। और राहुल गांधी की लड़ाई डरते हैं, डरो मत, वो कहते हैं गुस्सा मत करो, प्रेम भाईचारा मोहब्बत करो आपस के अंदर और सद्भावना रखो, वायलेंस नहीं हो, हिंसा नहीं हो। ये मैं समझता हूँ गांधी का जो सिद्धांत था उस पर चल रहे राहुल गांधी जी, इसीलिए वो ये भावना प्रकट करेंगे। आज देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, लोग जेलों में जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ पत्रकार लेखक साहित्यकार कितने लोग जेल में बैठे हुए हैं, ये तमाम क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका रास्ता है जय श्री राम का रास्ता है। वो वहाँ भी बांट दिया, सीता को राम को बांट दिया, हम कहते हैं जय श्री राम बोलो। तो जैसे ही हमने जय श्री राम बोला तो लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स दिया, तो मैं समझता हूँ लोग समझ जाएंगे, सबको मिला के चलना देश हित के अंदर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।